थैंक यू वेरी मच राणा साहब, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जहाँ तक ताल्लुक है इसे आप सेपरेशन ऑफ पावर भी कह सकते हैं, और जो स्टेट के प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, फंडामेंटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, इन तीनों मेन पिलर्स ऑर्गन्स के दरमियान जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इसे हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहते हैं। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी वजाहत के साथ तीनों ऑर्गन्स की अपनी अपनी डोमेन्स डिफाइंड हैं, लेकिन कभी कभार ये डोमेन्स जो हैं ये ओवरलैप भी कर जाती हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रहें। आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर का जहाँ इख्तियार है कि वो कुरानिक इंजंक्शंस की रोशनी में और सुना प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बेसिस पे कोई भी कानून साजी कर सकती है, वहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर्स जुडिशरी के पास हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये हमें यूनाइटेड स्टेट से अगर हम उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें, तो जस्टिस जॉन मार्शल जो चीफ जस्टिस यूएस थे 18 सेंचुरी में, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत वाइटल अंदाज में उसको यूटिलाइज किया। जुडिशियल रिव्यू की एक्सरसाइजेज कभी हमें अपने जुडिशियल हिस्ट्री में भी देखने को मिलती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में हमारी पार्लियामेंट काम करती है उस पर्सपेक्टिव में इसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। और ट्राइकोटमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये प्राइमरीली तीनों ऑर्गन्स को अपनी डोमेन में कन्फाइन रखने के लिए बनाया गया है। थैंक यू।